राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। हमारे कई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि दिशाओं को निर्धारित करने का, डायरेक्शंस को समझने का सही तरीका क्या है। आज इसी से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके घर में कौन सी दिशा कहाँ है, इसके लिए आप बाजार से या तो एक कंपस ले लें या फिर अपने मोबाइल पर अवेलेबल कंपस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस कंपस को लेकर आप अपने प्रेमाइसेस, अपने भवन, अपने प्लॉट, अपनी फैक्ट्री या अपने घर का जो भी, जिस भी जगह के आपको डायरेक्शंस डिसाइड करने हैं, वहाँ जाकर ठीक बीचों बीच खड़े हो जाएं और आप देखेंगे कि आपके कंपस में एक पॉइंट होता है जो कि नॉर्थ को सिग्निफाई करता है, जहाँ पता चलता है कि ये नॉर्थ के लिए है। अब आप अपने नीडल के ठहरने का इंतज़ार करें। जब नीडल ठहर जाए, यानी आपको पता चलेगा कि नीडल जो है वो और नॉर्थ, यानी नॉर्थ का वो पॉइंट और नीडल एक जगह आप मिला दें, तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी उत्तर दिशा किस तरफ है। अब उत्तर दिशा जब आपकी डिसाइड हो जाए, 5 से 10 सेकंड के लिए आप वेट करें। वो डिसाइड होने के बाद में आप एक एक करके बाकी दिशाओं को भी निर्धारित कर पाएंगे। पहले 4 मुख्य दिशाएँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपकी डिसाइड हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपके सामने नॉर्थ है तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड साइड की तरफ पूर्व है, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम है, और पीठ के पीछे साउथ यानी दक्षिण दिशा है। इस तरह से आपको चारों दिशाओं का पता चलेगा। और साथ ही साथ 4 उपदिशा यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का अनुमान भी हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच का जोन नॉर्थ ईस्ट जोन या ईशान कहलाता है। साउथ और ईस्ट के ठीक बीच का जोन साउथ ईस्ट या आग्नेय कोण कहलाता है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा यानी साउथ और वेस्ट जोन के ठीक बीचों बीच का स्थान साउथ वेस्ट जोन कहलाता है, या नैऋत्य नाम से भी जाना जाता है। जबकि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के ठीक बीचों बीच का स्थान नॉर्थ वेस्ट जोन कहलाता है और वायव्य के नाम से भी जाना जाता है। और आपके भवन के ठीक बीच का स्थान यानी सेंटर ऑफ द प्रेमाइसेस, इसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। उम्मीद है अब आपको दिशाओं को समझने में आसानी होगी। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।